यहाँ काम ही नहीं है, ये चलता है हमारे हिंदुस्तान में, यहाँ तो पता नहीं, हमारे यहाँ बहुत चलता है अभी। काल सर्पी योग, लोग कुंडली देखते हैं लोगों की, काल सर्पी योग है, अब इसको दूर करना पड़ेगा। महामृत्युंजय जाप, महामृत्युंजय जाप, शनि निवारण, शनि निवारण, जैनियों में हाँ हाँ, अरे हालत खराब है, जैनियों हालत खराब है। आंटी को एक बार जयपुर लेके जाना पड़ता है। हाँ, आप हिंदुस्तान में आओ, हम आपको वर्ल्ड टूर करा देंगे। मंत्र तंत्र ताबीज भूत पिशाच व्यंतर जैनियों की अवधारणाओं में भी आ चुके हैं। सोच के विचार के दुख होता है, जो पवित्र दर्शन अकर्तावाद से बना हुआ है वहाँ लोग कर्तृत्व का जहर पी पी के मर रहे हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमारे पास मूल तत्व ज्ञान है, इनकी दूर दूर तक कल्पना नहीं कर सकते। इसे पूछ रही ना बहन, जैनियों में भी ऐसा होता है, तो पूछो यहाँ भी बैठे होंगे कई लोग जिन्होंने भूत के साथ भगाए होंगे। बदलपुरा हाँ, भूत घूमते रहते हैं। सब व्यर्थ की कवायदे हैं, मनुष्य जीवन बर्बाद करने जैसी चीजें हैं। यहाँ कोई नींबू मिर्ची टांगता नहीं, टांगता दुकान अच्छी चलाने के लिए। हमारे नींबू मिर्ची टांगते हैं, गाड़ी के आगे लगाते हैं, और टायर लगाते हैं मकान के ऊपर भूत जैसा चेहरा बना के लगा देते हैं, नजर नहीं लगे बच्चों को, नजर बच्चों को तो नजर यहाँ अमेरिका में भी लगती होगी, लगती नहीं लगती, नहीं लगती, क्या बात है, बढ़िया जगह है तो। लेकिन भूत तो होते ही होंगे ना, यहाँ भी होते हैं, मजा आता है यहाँ पर, कहाँ फिल्म में। जैन दर्शन इन सब अंधविश्वासों से कोशों दूर है। अरे अपनी आत्मा अचिंत शक्ति वाली है, ना केवल मेरी आत्मा, आपकी भी आत्मा इतनी ही पावरफुल है। जब दो समान पावरफुल लोग बैठे हुए हैं तो फिर कौन किसको दबाए और कौन किससे दबे। गुरुदेव इसको ऐसे कहते थे क्षमावाणी पर्व के महोत्सव पर कि भाई मैं अपने आप को तो द्रव्य दृष्टि से देखता ही देखता हूँ, मैं तो सबको द्रव्य दृष्टि से ही देखता हूँ, किसी को पर्याय दृष्टि से देख लिया हो गए तो क्षमा कर। क्या मतलब इसका, कि मैं तो सबको समान अनुभव करता हूँ, तो इसलिए अपने आप धमकाने की, धमकने की, डरने की, डराने की गुंजाइश ही नहीं है, इतना पवित्र दर्शन है। वितरागता, आपका आंसर वितरागता है सर, गुरु को पहचानने का, देव को पहचानने का, शास्त्र को पहचानने का, दर्शन को पहचानने का, वितरागता। दुनिया में हर व्यक्ति बात तो अच्छी करेगा, ये नियम है, कोई भी वक्ता होगा तो आप किसी वक्ता से ये नहीं सुनेंगे कि हिंसा करनी चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए। तो उपदेश में तो यही कहेगा ना कि हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, गुस्सा मत करो, तो सबको लगता है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तो ठगा जाते हैं व्यक्ति पर इतने से चक्कर में। लेकिन जो मूल बात है, जो अकर्तावाद की जो बात कही है, गृहित मिथ्यात्व बहुत बहुत बड़ा पाप है। कल परसों भी शायद मैंने ये बात कही थी, पेज नंबर 192 192 नंबर पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, और पहली लाइन फर्स्ट पैराग्राफ ऊपर का, वो कहते हैं सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर इस मिथ्यात्व को पहले छोड़ना, ये इतना बड़ा पाप है। ये कहते हैं क्या क्या गलती हो गई, क्या क्या अपराध कर लिया मैंने, हाथ ही तो जोड़े, मस्तक ही तो झुकाया, कर क्या लिया, इसमें इसमें हो क्या गया। ये कहते हैं जुआ खेलने से ज़्यादा बड़ा पाप है, मांस भक्षण से ज़्यादा बड़ा पाप है। अब कौन माने ऐसी बातों को, ऐसा ये जैन दर्शन वितरागी दर्शन है, अभूतपूर्व है बातें।